हेलो एवरीवन, करंट अफेयर एक्सप्लेन सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर के बारे में। यू मे हैव सीन इन द न्यूज़ कि रिसेंटली एक ब्लैक रॉक मालवेयर अटैक हो रहा है एंड्रॉयड डिवाइसेस पे, जो कि मोर देन 300 मोबाइल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग सोशल मीडिया एज वेल एज बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड मोबाइल एप्लीकेशंस का डेटा स्टील कर रहा है आपके एंड्रॉयड। तो ये सेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में अक्सर पूछे जा रहे हैं। ये मैं आपको 2018 प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जिसमें वॉनाक्राई, पेटिया या इटरनल ब्लू जैसी टर्म्स पे क्वेश्चन आया था, जो कि एक्चुअल उस साल में होने वाले साइबर अटैक्स के नाम थे, मालवेयर्स के नाम थे। सो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, इस तरीके के और क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में बन सकते हैं, तो ये सेशन हमारे लिए जरूरी रहता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मालवेयर क्या होता है, उसके अटैक्स किस तरीके से होते हैं, वो कैसे डेटा चोरी करता है, या पर्टिकुलरली ब्लैक रॉक जो है वो किस तरीके से डेटा स्टील कर रहा है आपके फ़ोन से, या आपका जो डेटा स्टील हो रहा है उसको कैसे रोक सकते हो। एट लास्ट मैं इस सेशन में कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स ही बताऊंगा अर्लियर जो मालवेयर अटैक्स हुए हैं, जो कि आने वाले प्रीलिम्स में आपको काम में आ सकते हैं। सो इस सेशन का जो पीडीएफ रहेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो। और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो आप O2 IAS Academy की एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे सारे कोर्सेज जो लाइव चल रहे हैं उनको अवेल कर सकते हो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। सबसे पहला क्वेश्चन कि मालवेयर क्या होता है। देखिए, ये शब्द बना है दो एग्जिस्टिंग वर्ड्स को कंबाइन करते हुए, विच इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में आता है उसका अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेता है और वो डेटा स्टील करके ले जाता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स इट इज़ लाइक इसकी काम करने के तरीके के हिसाब से इसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। हम इसको वायरस बोलते हैं अगर वो हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, बहुत सारी फाइल्स को करप्ट कर देता है। रैंसमवेयर बोला जाता है अगर वो आता है आपके सिस्टम्स की फाइल्स को लॉक करके उसके बदले में पैसे डिमांड करता है, जस्ट लाइक वॉनाक्राई वॉस। स्पाईवेयर अगर वो आपका डेटा स्टील करके लेके जा रहा है समहाउ, ट्रोजन और इस तरीके के नाम यूज करे जाते हैं। इन सभी को कंबाइनली मालवेयर बोल दिया जाता है। ये साइबर अटैकर्स इनको कोड करते हैं जस्ट टू गेट अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ योर डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क। ये जो ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर है, एक्चुअली ये कोई नया मालवेयर नहीं है, ये एग्जिस्टिंग ज़क्सिस नाम का एक मालवेयर था, ज़क्स और ज़क्सिस इसको बोलते हैं, इसी को रीमॉडिफाई करके ब्लैक रॉक नाम से ये सरफेस हो रहा। भी सर्टेन रिसर्च फर्म, साइबर रिसर्च फर्म्स ने ऐसा कंफर्म करा है कि इसी का अपग्रेडेड वर्जन ब्लैक रॉक अभी सरफेस हो रहा है और बहुत सारी डिवाइसेस में डेटा स्टील करने के केसेस आ रहे हैं। तो देखिए, ये नाम प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हो सकता है कि ब्लैक रॉक क्या है, जिस तरीके का क्वेश्चन पहले आया। ज़क्सिस क्या है, तो ये भी एक मालवेयर था। एक्चुअली ये लोकीबॉट नाम का एक मालवेयर था जिससे फर्दर अपग्रेड करके नए नए मालवेयर्स बनाए जा रहे हैं। ओनली डिफरेंस इज कि ब्लैक रॉक जो है वो अपने पुराने वर्जन से ज़्यादा खतरनाक है। ये मल्टीपल नंबर ऑफ एप्स, पिछले वाले से भी ज़्यादा नंबर ऑफ एप्स को इन्फेक्ट करता है। इवन ये एंटीवायरसेस को भी डिसेबल करने की कैपेसिटी रखता है आपके सिस्टम से। कैसे करता है ये काम, तो किसी भी एग्जिस्टिंग डाउनलोड हो रही फाइल के साथ ये डाउनलोड होके आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ये अपने पूरे टारगेटेड एप्स को मॉनिटर कर सकता है, आपके द्वारा डाली गई इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकता है अपने सर्वर में। ये सबसे पहले करता कैसे है कि आपकी फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी के फीचर को यूज़ करता है। एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स जानते होंगे एक्सेसिबिलिटी का फीचर क्या होता है। सबसे पहला काम जब ये आपकी आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है तो इसका आइकन हिडन रहता है, आपको पता नहीं लगता कि कोई नई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड नहीं करी एक्चुअली वो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। देन एक इंट्रैक्शन विक्टिम के साथ होती है कि वो एक्सेसिबिलिटी सर्विस प्रिविलेजेस की डिमांड करता है। और नॉर्मली बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो अलाउ 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 बटन पे क्लिक करते रहते हैं सारी सर्विसेज को प्रिविलेज एक्सेस देने के लिए। तो जब इसको एक्सेसिबिलिटी सर्विस का एक्सेस मिल जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बाकी एडिशनल परमिशंस अपने आप ले लेता है एंड्रॉयड की, और इसके बाद विक्टिम के साथ कोई भी डायरेक्ट इंट्रैक्शन इसका होता नहीं है। एंड व्हेनेवर जब इसको सारी परमिशंस मिल गई तो वो इनका जो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा और ओवरले अटैक्स करने शुरू करेगा। ओवरले अटैक्स क्या होते हैं, नॉर्मली जो भी ट्रोजन मालवेयर्स होते हैं जो डेटा चोरी करने के इंटेंशन से आपके सिस्टम में आते हैं,
वो ओवरलेज अटैक्स के थ्रू आपका डेटा चोरी करते हैं। लेट अस से आपके फ़ोन में HDFC या ICICI बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन है और आप उससे कोई इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हो, कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हो। सो ये आपकी ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन को डिटेक्ट करेगा एंड व्हेनेवर यू ओपन दिस ICICI मोबाइल एप्लीकेशन तो इसके साथ ये एक फेक विंडो दिखाएगा इस ऐप के ओपन होने से पहले, सिमिलर टू दैट ICICI वाली विंडो। उसमें आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालोगे, आपको तो लगेगा कि ये मेरी मोबाइल एप्लीकेशन है बैंक वाली, बट वो एक्चुअली एक फेक विंडो थी और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने वहां पे डाली वो सर्वर को ट्रांसमिट हो जाएगी। सिमिलरली इस तरीके के बहुत ओवरले अटैक्स को यूज करके ये टारगेटेड एप्लीकेशंस का डेटा चोरी कर लेता है आपके सिस्टम से। सिमिलरली इस तरीके के अब एक मैं प्रिलिम्स फैक्ट बता रहा हूँ जो इस मालवेयर से रिलेटेड नहीं है, पिछले कुछ टाइम्स में एक दो मालवेयर अटैक्स और हुए थे। वन वॉज जोकर मालवेयर अटैक। जोकर मालवेयर अटैक तो गूगल प्ले स्टोर पर आया था। गूगल प्ले स्टोर की जो एप्लीकेशन रिव्यू प्रोसेस है उसको अक्सर ये मालवेयर बाईपास कर देते हैं, गूगल को पता नहीं लगता, जब तक पता लगता है तब तक ये ज़्यादा स्प्रेड हो चुका होता है, देन गूगल हैज़ टू रिमूव सर्टेन एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर और वो धीरे धीरे नया पैच रिलीज करते हैं एंड्रॉयड का सो दैट कि उनका सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट हो जाए। तो जोकर मालवेयर क्या करता था, सिमिलरली कि आपकी यूज़र की इंटरेक्शन के बिना वो मल्टीपल एडवर्टीजमेंट्स पे क्लिक करवा के उनके रजिस्टर्ड अकाउंट जो कि गूगल प्ले स्टोर पे है उससे बहुत सारी परचेजेस करवा देता था, या जो SMS आता है, OTP आता है, सारी चीज़ों को हाईजैक करके ऑथेंटिकेट करवा के पेमेंट ट्रांसफर कर लेता था आपके अकाउंट से। ये तो गूगल प्ले स्टोर से आ रहा था। राइट नाउ एक पॉजिटिव चीज़ है, एक चलो अच्छी खबर है कि प्रेजेंटली जो ट्रोजन है, जो ब्लैक रॉक है, ये गूगल प्ले स्टोर पे डिटेक्ट नहीं हुआ एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर एंड्रॉयड मोबाइल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अटैक। तो सबसे रिलीफ की बात क्या है कि गूगल प्ले स्टोर पे नहीं है तो आप जितनी भी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हो वो आप थर्ड पार्टी स्टोर से ना करें, आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि आपके मोबाइल में ये ऑलरेडी एंटर कर चुका हो सकता है डिफरेंट मोबाइल ईमेल्स या नोटिफिकेशंस के माध्यम से। तो एक काम कर सकते हैं, आप अपनी ऐप परमिशंस की लिस्ट में जाइए, एंड्रॉयड सेटिंग्स में अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे आप चेक करिए कि कौन कौन सी ऐप्स को आपने एक्सेसिबिलिटी परमिशंस दे रखी हैं। वहाँ पे कोई अनडिटेक्टेड ऐप है तो उसको रिमूव करिए, अपने फ़ोन को रीसेट करिए, देन यू विल बी सेफ। एंड अपकमिंग टाइम्स में स्पैम ईमेल्स या इस तरीके की जो भी एप्लीकेशंस हैं उनका ध्यान रखिए कि आपके फ़ोन का डेटा वो चोरी ना करें। आप इसके लिए कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं बट ब्लैक रॉक मेजॉरिटी ऑफ एंटीवायरसेस को पास कर देता है, बाईपास कर देता है और उनको डिसेबल भी कर देता है। सो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे।